हे एवरीवन दिस इज शरीम लोड्रा वेलकम टू माय चैनल शरीम लोड्रास केचल कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी तो नहीं है लेकिन एक मोटिवेशनल डिस्कशन है जो हम करने जा रहे हैं और वो डिस्कशन है एटीट्यूड एटीट्यूड पे करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हम तो कई बार हम किसी प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं या लाइफ की कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है उस सिचुएशन में से या उस प्रॉब्लम में से हम बाहर तभी आ सकते हैं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है एटीट्यूड का मतलब है नजरिया उस प्रॉब्लम को लेकर हमारा क्या नज़रिया है बिकॉज़ जो एटीट्यूड है ये बहुत ही इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है हर एक की लाइफ में अगर किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को लेके हमारा जो नज़रिया है हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम उस प्रॉब्लम में से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ऑब्वियस है कि आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा उस चीज़ का लेकिन अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो आपको हमेशा हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी आपको अपने चारों तरफ प्रॉब्लम से गिरे हुए आप दिखोगे और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा सो so लाइफ में जो एटीट्यूड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो हमारा एटीट्यूड है ये किस पे डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे विल पावर पे। विल पावर होती है इंटरनल या फिर इनर स्ट्रेंथ हमारी अंदर की जो शक्ति होती है उस पे डिपेंड करती है हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना उससे ही हमारा एटीट्यूड बनता है अगर हमारी विल पावर वीक है तो जाहिर सी बात है हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव ही होगा नेगेटिव होगा तो हमें सोल्यूशन कभी किसी चीज़ का नहीं मिलेगा अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें हम असफल ही होंगे नेगेटिव एटीट्यूड है तो फेलियर मिलेगा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमें सक्सेस मिलेगी और जो एटीट्यूड है पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करता है हमारे विल पावर पर तो आपने ही देखना है कि आपको लाइफ के टवर्ड्स कैसा एटीट्यूड रखना है किसी ने क्या खूब कहा है नज़र को बदलो नज़ारे बन जाते हैं सोच को बदलो सितारे बन जाते हैं कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है हमें दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज़ कौन भागता है कौन सा जानवर सबसे तेज़ भागता है तो आप बोलेंगे चीता अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है तो आप बोलेंगे जिराफ और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो आप बोलेंगे एलिफेंट दैट इज़ हाथी लायन है उसको ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है वाई लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल ना तो वो सबसे तेज़ भागता है ना ही वो सबसे लंबा है और ना ही वो सबसे बड़ा है लेकिन फिर भी लायन को बोला जाता है किंग ऑफ जंगल तो मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जब लायन एलिफेंट को देखता है तो लायन की क्या सोच होती है लायन सोचता है कि ये मेरा खाना है दिस इज माई फूड एंड आई एम गोइंग टू ईट इट ठीक है मुझे खाना है मारकर और वो इसी सोच के साथ एलिफेंट पे हमला करता है वो ये नहीं देखता कि एलिफेंट बहुत बड़ा है उसे ये होता है कि मेरा ये फूड है और इसको मैंने खाना है ठीक है कि विल पर स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है और दूसरी तरफ क्यों डरता है हालांकि एलिफेंट बहुत बड़ा है लाइन से लेकिन फिर भी डरता है क्योंकि एलिफेंट का एटीट्यूड क्या है लाइन की तरफ कि ये मेरा हंटर है ये शिकारी है मेरा ये मुझे मारेगा लाइन इज़ टू किल मी और ये मुझे फिर खा जाएगा ऑल दैट मेक्स अ डिफरेंस इज दैट इज़ एटीट्यूड दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट है किसी भी सिचुएशन को लेके तो उसी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर लाइफ में हम कोई भी जंग लड़ते हैं कोई भी प्रॉब्लम जब को हम फेस करते हैं तो उस पे हम हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है या उसको वीक रखना है आपकी सोच ही आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपकी सोच जो है पॉजिटिव होगी दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन व्हाई टू फेस टाइम गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम वील मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर फो सेल्फ ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो स्टे मोटिवेट एंड ब्लेस्डेज बाय